तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। आपका नाम क्या है? नाम हमारा हो गया शमशेर खान। प्राइस बहुत सही है, मतलब हाँ अफोर्डेबल है, ले सकते हैं नॉर्मली। अच्छा ठीक है, हर साल लगाते हैं, अब किस साल जो है नया सामान आया है। डिजाइनदार दिए सब कहाँ से लाए हैं? सब आया है कलकत्ता से। बाकी आपका नाम क्या है? नाम है मुमताज। मुमताज जी, पर शीशा लग जाता जिस तरह से लैंप लगता था, और ये पूरा टोटल दिया है, आप देख लीजिए, देख लीजिए दिए का प्रकार देख लीजिए, करीब नहीं कुछ 10 से 20 तरह के दिए यहाँ पर रखे हुए हैं। कितना कॉस्ट है भाई साहब इसका? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जी। और यहाँ पर जितने सारे लोग बेच रहे हैं वो सभी मुस्लिम है या हिंदू है? सब हिंदू मुस्लिम दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स है। यहाँ राजनीति करते हैं उनको एक बहुत शानदार यहाँ से एक सीख मिल सकती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के इस दीपावली में इस दिए को बेच रहे हैं। पंचरूपी मंदिर के सामने में जो है ये लगा हुआ है, आइए और खरीदारी करिए। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेवल न्यूज इंडिया। हमारे बैकग्राउंड में देखिए दीपावली का जो रंग है पूरे पटना में चढ़ गया है। आप देख सकते हैं सजाने का तरीका और सजाने का जो सामान है साज सज्जा का पूरा यहाँ पर लग चुकी है, और लोग जो है आकर खरीद रहे हैं। देख सकते हैं सामने में लोग जो है यहाँ पर खरीद रहे हैं दीपावली को सजाने वाला या दीपक जो जलाने वाला चीज़ है, सामान सब खरीद रहे हैं। नए नए चीज़ अभी मार्केट में आ चुके हैं हमारे सामने में, आप देख सकते हैं छोटे छोटे चीज़ के कितने सारे हैं, दिए से लेकर के अलग अलग चीज़, इवन के गुलदस्ता का सारा सामान सब भी यहाँ पर आ चुका है। भाई साहब भी देख सकते हैं आप, ये पर जो टांगने वाने वाला होता है घर में, जो लगाने वाला होता है, आप देख सकते हैं झालर वालर सब यहाँ पर आ चुका है। और आप देख सकते हैं, चलिए कुछ चीज़ मैं आपको अजीब दिखाता हूँ। इस बार यूनिक चीज़ आप ये देख लीजिए, ये पर गणेश जी है और ये इसमें गुलदस्ता का सामान है, इसमें आप फूल लग सकते हैं और ये गुलदस्ता वाला गणेश जी है। इसके अलावा जितने भी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ गणेश जी से लेकर के जितने भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरा मिट्टी का बना हुआ, ये गुलदस्ता है। और आप ये देखिए भगवान का ये जो है यहाँ पर फेस बना हुआ है, ये काली जी का है, काली जी का फेस बनाया गया है जी। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह के सारा सामान यहाँ पर बना करके यहाँ पर रेडी है, आप देख सकते हैं। और जो भी सामान आए हैं सब भगवान के नाम पे आए, और भगवान के शकल में ही सब आए हैं। भगवान के शकल में सारे कुछ आए जी। अच्छा, हमको ये बताए आपका नाम क्या है? नाम हमारा हो गया शमशेर खान। शमशेर खान, शमशेर खान जी यहाँ पर बेच रहे हैं, और सारा चीज जितने भी रखे हैं सारे भगवान के नाम पर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये और जो मेरा पार्टनर है सब है शंकर, सब नाम का लड़का है, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू हम लोग सब भाई बहन मिलके, ठीक है, ठीक है। दीपावली ये जो पर्व है, वही जो पर्व होता है, ये सारा कुछ होता है कोई इसमें, और हर साल जो है हम लोग लगाते हैं इधर ही। अच्छा ठीक है, हर साल लगाते हैं, अब किस साल जो है नया सामान आया है। अच्छा, नया सामान आया जी सर। तो ये हमको बताइए, ये सब अब किस साल नया आया, ये बताइए इस बार कितना का यहाँ पर सामान लाए हैं आप लोग? अब की बार जो है सर ये सब का प्राइस जो है लाइट सिस्टम में भी है, इसका 250 है फ्लावर का। नहीं टोटल में कह रहा हूँ, टोटल जो बजट है आपका, टोटल का बहुत ज़्यादा कीमती है सामान। करीब कितना? लगभग लगभग जो होगा कितना होगा तो 20 लाख से कम नहीं होगा सर। मतलब 20 लाख के ये भाई साहब यहाँ पर लगाए हुए हैं टोटल सामान यहाँ पर। और यहाँ पर भी और नया नया चीज़ क्या क्या, ये सब क्या है, ये सब क्या है ये बताइए? ये आपका जो है लाइट सिस्टम है। लाइट सिस्टम है जी, इसमें बल्ब लगेगा, इसमें बल्ब लगा करके आप चला सकते हैं, ये सब भी पूरा लाइट सिस्टम है। नहीं नहीं, ये फ्लावर रखने का, फ्लावर रखने का, और ये सब जितना भी ये सब लाइट सिस्टम, ये लाइट सिस्टम है, ये दिया सिस्टम है, ये दिया सिस्टम है जी। और भी आप देख सकते हैं हमारे सामने में लाइट सिस्टम सब यहाँ पर लग चुका है। और ये टेबल कलश के पास जो है, अच्छा ये भगवान के भूल जाते हैं इसके लेकर के टेबल कलश में निकाल दिए हैं, वो लाइट सिस्टम जो हम भगवान को रोशनी दे जी। अच्छा, जी। और ये हमारे बिस्तर के पास रहेगा वो। डिजाइनदार दिए सब कहाँ से लाए हैं? सब आया है कलकत्ता से। सब कोलकाता से ये आया है ये डिजाइनदार, ये दीपक हैदराबाद और कलकत्ता, ये हैदराबाद सबसे आया है ये। करीब कितने पीस आप बुलवाए हैं? ये तकरीबन जो है आपका सर लगभग जो है 2000 पीस आया है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर लैंप वाला भी दिया आ चुका है भाई साहब, थोड़ा सा एक दिखाइए तो वो लैंप, ये लैंप वाला दिया आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए ये लैंप वाला दिया है, ये शीशा है इसके ऊपर में, यहाँ पर शीशा लग जाता जिस तरह से लैंप लगता था, और ये पूरा टोटल दिया है आप देख लीजिए। बत्ती लगेगा? अच्छा, इसमें बत्ती लगेगा जी, यहाँ तेल रखाएगा और बीच में बत्ती रखाएगा। अच्छा, और ये शीशा है पुराना जमाना का जो। इसकी कितनी कॉस्ट है? इसका प्राइस है सर 120 रुपया है। अच्छा, ये आप देख लीजिए नए नए चीज़ यहाँ पर आ चुके हैं हमारे मार्केट में, और यहाँ पर नए नए चीज़ भी देख सकते हैं। और एक चीज़ देख लीजिए इधर भी, इधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, करीब यहाँ पर हजारों की, यहाँ पर देखिए किस किस टाइप के यहाँ पर दिए हैं, ये देख लीजिए दिए का प्रकार देख लीजिए, करीब नहीं कुछ 10 से 20 तरह के दिए यहाँ पर रखे हुए हैं। कितना कॉस्ट है भाई साहब इसका?
20 रुपया। एक पीस 20 रुपया सर। उसका इसका 10 रुपया। छोटा वाला का? छोटा वाला 5 रुपया। वो भी 10। ये किसका? ये मिट्टी का है? मिट्टी का। ये इतना डिजाइन कहाँ से मंगवाया है? कोलकाता से। ये कोलकाता से मंगवाया है? सब कोलकाता का माल है। कोलकाता का माल है। देखिए यहाँ पर यही होता है, मिट्टी को सोना, जो आप सुनते हैं ना, मिट्टी को सोना बना दिया गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा डिजाइन दे दिया और मिट्टी वही है, दीपक मतलब मिट्टी वही है और दीपक बनाया किस तरह से, इसको थोड़ा सा डिजाइनदार इसको बना दिया है, खूबसूरत दिख रहा है। और इसका कॉस्ट जो हो गया 20 रुपया हो गया, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। और वैसे देखिए उसका कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। और अगर नॉर्मल अगर हम लोग बनाते हैं, ये दीप है, ये दीपक, इसका कितना? 5 रुपया। और ये भी रंगा हुआ है इसीलिए इसका कॉस्ट 5 रुपया है। इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये रंगा हुआ है, इसका कॉस्ट 5 रुपया है। लेकिन अगर ये रंगा नहीं जाता तो इसका कॉस्ट 1 रुपया होता है। आप समझ सकते हैं जो दीपक जो होता है, हम लोग जो बनाते हैं उसका मार्केटिंग अगर आप अच्छा से करते हैं तो अच्छी खासी इसमें भी दीपावली में कमाई हो जाती है। बाकी आपका नाम क्या है? नाम है मुमताज। मुमताज जी, यहाँ पर अलग अलग जो है धर्म के लोग भी यहाँ पर बेच रहे हैं, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, बॉन्डेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पर्व होता है और पर्व में ही बहुत सारे, क्या बोल रहे आप? नहीं, उनका नाम मुमताज है, हमारे बिरादर में वो। अच्छा, आपके बिरादर में जी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जी। और यहाँ पर जितने सारे लोग बेच रहे हैं वो सभी मुस्लिम है या हिंदू है? सब हिंदू मुस्लिम दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स है यहाँ पर जो लोग बेच रहे हैं जी। देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है धर्म पर राजनीति करते हैं, उनको एक बहुत शानदार यहाँ से एक सीख मिल सकती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के इस दीपावली में इस दिए को बेच रहे हैं। थोड़ा सा समझदारी का उपयोग करिए और आप लोग भी एक कट्टरता का भावना नहीं रखिए अपने अंदर में। देख सकते हैं यहाँ पर सामने में बहुत सारा चीज़ है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी खरीदारी कर रही है और बहुत सारे सामान भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ देख सकते हैं, ये जो दीपावली का सामान सब है यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। इधर भी पूछ लेते हैं, आप लोग ये सामान खरीद रहे हैं दीपावली का? तो ऐसा देखे थे कभी? इस बार ही ये नया नया चीज़ आया है? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। इस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? हाँ, यहाँ। और ये इस बार का कॉस्टिंग कैसा लग रहा है, मतलब ये कॉस्ट जो है सामान का? नहीं, प्राइस बहुत सही है, मतलब हाँ अफोर्डेबल है, ले सकते हैं नॉर्मली। नॉर्मली ले सकते हैं। एक दिया का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? जो अच्छा डिजाइनर है वो 80 रुपीज़ का ये बता रहे हैं। जैसा कि ये अच्छा चीज़ है जिस पर हमारे पटना में इस तरह से लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लगना चाहिए। और भी देख सकते हैं यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, अच्छे अच्छे चीज़ है, आप लोग भी आइए यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये जो है मंदिर है, हनुमान मंदिर, पंचरूपी मंदिर के सामने में जो है ये लगा हुआ है, आइए और ख़रीदारी करिए। बाकी आप देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।